हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पास्ट आपको मालूम होगा, जो चीज़ बीत चुकी है उसे हम पास्ट बोलते हैं। तो अब उसमें एडजस्टमेंट करना है। अब कहाँ पर एडजस्टमेंट करना है? तो देखिए क्या होता है, जब अभी तक जो भी हम अकाउंटिंग करते आए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया या फिर जो भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो उसमें जो जो चीज़ें हमने पार्टनर्स को दी या फिर जो भी चीज़ें कैलकुलेट करी, तो अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं तो उसको हमें यहाँ पर सही करके और उसके बदले में एक एडजस्टिंग एंट्री करनी रहती है। तो उसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसको हिंदी में बोला जाता है भूलों का समायोजन। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं हमसे पहले और किस तरीके से उधर सुधारते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे और ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इन तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज देना था 10%। अब ये ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लेकिन बाय चांस कुछ हमसे मिस्टेक हो गई और उस वजह से हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या किसी वजह से नहीं दे पाए, तो ये हो गई हमसे मिस्टेक। तो ये हमने जब अकाउंटिंग करी होगी पहले, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई। अब इसको सुधारे कैसे जब ये हमें बाद में पता चला? तो वही सारी चीज़ें हमें सीखना है। या फिर ऐसा हो सकता है हमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हम वो 5% की जगह हमने 10 दे दिया, या फिर हमें 10 देना था, हमने 10 की जगह 12 दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हमसे मिस्टेक हो जाती हैं, तो इनको हम सुधारें कैसे वो हम इस पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर सीखेंगे। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि हम ये पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे कैसे। तो एग्जाम्पल लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे। अब यहाँ पे ये तीन पार्टनर्स ने, ए ने कैपिटल लगाई हुई थी 1,00,000 रुपीज़, बी ने कैपिटल लगाई थी 50,000 रुपीज़ और सी ने कैपिटल लगाई थी 40,000 रुपीज़। तो ये इनकी कैपिटल्स हो गई। अब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है, फॉर एग्जाम्पल 5%। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 5% देना है। अब हमने यहाँ पर मिस्टेक ये करी कि ये 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था एज पर पार्टनरशिप डीड, वो हमने नहीं दी, तो वो हमसे मिस्टेक हो गई। तो अब आइए देखते हैं इस मिस्टेक को सुधारे कैसे, या उसके बदले में हम एक जो एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं वो कैसे पास करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वर्किंग नोट से। तो वर्किंग नोट मेन सॉल्यूशन पे हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा हमारा, और वर्किंग नोट में सबसे पहली चीज़ जो हम कैलकुलेट करेंगे वो रहेगी हमारी कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने परसेंट देनी थी। तो वो आई होप सबको निकालते बनती है आप लोगों को, कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलिए पहले अपन ए की निकालते हैं। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगी? ए ने कैपिटल लगाई 1,00,000 रुपीज़ इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5%। तो ये हो जाएगा 5/100, तो इसका आंसर आएगा आपका 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी की निकालते हैं। बी ने कैपिटल कितनी लगाई? 50,000। तो इसका लिखेंगे 50,000 इंटू 5/100, तो इनका आंसर आएगा 2,500। ऐसे ही सेम सी की निकाल लेंगे हम। सी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 40,000। तो यहाँ लिखेंगे 40,000 इंटू 5/100, तो इसका आंसर आएगा 2,000। तो ये आ गई तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हम इतनी इतनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को देना था जो हमने नहीं दिए। ठीक है, तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम वर्किंग नोट के अंदर ही एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट्स। मतलब वो एक ऐसा स्टेटमेंट रहता है जिसमें हम जो भी अमाउंट उनको गलत दे देते हैं पार्टनर्स को, वो हम वापस लेते हैं, और जो सही अमाउंट देने का रहता है वो हम उनको दे देते हैं। तो आइए देखते हैं वो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ पे आपका बनेगा, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। अब नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2। जैसे मैंने बताया, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स।
अब ये जो बनता है ये पार्टनर्स के अकॉर्डिंग बनता है कि कितने पार्टनर्स है, और हर एक पार्टनर का अपना डेबिट होता है और अपना एक क्रेडिट होता है। तो इसका फॉर्मेट देखिए, जैसे तीन पार्टनर है यहां पे, तो ये बनेगा आपके तीन कॉलम का, और हर एक पार्टनर का अपना डेबिट और अपना क्रेडिट। ये अपन ने मान लिया ये ए बी सी, ये इनका डेबिट और क्रेडिट बन गया। ये ए का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। और ये जो पहला कॉलम रहता है ये रहता है पर्टिकुलर्स का, मतलब यहाँ पे हम डिटेल्स लिखते हैं। अब देखिए हर एक पार्टनर का अपना डेबिट और अपना क्रेडिट बना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिस पार्टनर को हमने गलत अमाउंट दे दिया था, अगर उससे हम वापस लेंगे तो उसका अकाउंट करेंगे हम डेबिट। याद रखना, वापस लेते हैं हम पार्टनर से तो उसका अकाउंट क्या करते हैं हम डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे अगर पार्टनर से कुछ वापस लेंगे तो, और जो सही अमाउंट था जो हमने उनको नहीं दिया था, अगर वो उन्हें देना हो तो हम करेंगे उनका अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो इधर लिखी जाती है वो होती है अमाउंट टू बी डेबिटेड, मतलब ऐसा अमाउंट जो हमें डेबिट करना हो। डेबिट करना मतलब पार्टनर से लेना। ठीक है, तो जो भी अमाउंट हमने पार्टनर्स को दे दिया था वो अमाउंट हम क्या करेंगे पार्टनर से वापस लेंगे। और जो, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट डेबिट और डेबिट पे जो भी अमाउंट हमने इनको गलत दे दिया था। और जो सेकंड पॉइंट आता है वो लिखेंगे हम अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यहाँ पे वो अमाउंट आता है जो हम पार्टनर्स को क्या करते हैं देते हैं। जो सही अमाउंट रहता है वो हम पार्टनर्स को देंगे, तो इसका मतलब पार्टनर्स का अकाउंट हम क्या करेंगे क्रेडिट, यहाँ तीनों में हम कर देंगे क्रेडिट करेंगे। तो अब बात आती है इन, ये क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए बी सी की कैपिटल थी 150 एंड 40, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% जो हमने नहीं दी थी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाली, ए की 5000, बी की 2500 और सी की 2000, ये हमने निकाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सही अमाउंट था जो हमने उन्हें नहीं दिया था। क्लियर है, तो ये जो सही अमाउंट हमने उन्हें नहीं दिया था, तो अब हम क्या करेंगे ये सही अमाउंट उनको हम दे देंगे। तो जब हम पार्टनर्स को कुछ देंगे तो वो हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो ये जो करेक्ट अमाउंट है इससे हम कर देते हैं पार्टनर्स को क्रेडिट। तो ये जो सेकंड वाला है इसमें हम यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट और क्रेडिट तीनों का अमाउंट डाल देते हैं जो सही अमाउंट था। तो इसे ए को कितना देना था हमें 5000, तो ये ए के क्रेडिट कॉलम में हम 5000 दे दिया। बी को कितना देना था 2500, तो यहाँ पे 2500 दे दिया। सी का कितना अमाउंट था 2000, तो सी को हमने 2000 दे दिया। तो ये तो बात हो गई कि जो सही बैलेंस था वो हमने इनको दे दिया। अब बात आती है कि डेबिट किस चीज़ को करें, अमाउंट टू बी डेबिटेड लिखा हुआ है, डेबिट हम किस चीज़ को करें। तो डेबिट उस वो जो गलत अमाउंट जो हमने इनको दे दिया था वो हम वापस लेंगे उसका। ठीक है, तो अब देखिए ये गलत अमाउंट जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, आपको समझना पड़ता है इसको कि हम किस चीज क्या चीज हमने इनको गलत दे दी अब वापस लेना है। तो मेरी बात को, एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से इधर समझना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ साइड में, आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मान लो आप इससे पहले क्या बनाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी चीजें अपन पार्टनर को देते हैं वो चीजें कहाँ लिखते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ प्रॉफिट होता था, जैसे मान लेते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपीज का, तो यहाँ पे आप लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे लिखते हैं आप कितना 10,000। ठीक है, अब अगर पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रहता तो हम यहाँ पे लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए बी सी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको दे देते सही अमाउंट। और फिर इसके बाद क्या करते थे, हम ये देखते थे कि इसमें से ये माइनस करके जो भी अमाउंट यहाँ पे बचता था वो प्रॉफिट ट्रांसफर कहलाता था, और वो हम रिमेनिंग पार्टनर्स को बांट देते थे। कैसे बांटते थे, उनके रेशियो में, कैसे बांटते थे
उनके रेशियो में बांट दे देते। अब लेकिन हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या करी, हमारा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ हो वो अब इमेजिन कर रहे, इमेजिनरी ले रहे हैं, जो भी प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा उसमें हमने क्या करा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं बांटा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है यहाँ पे इनका ये प्रॉफिट, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा तो यहाँ पे हमें लगा होगा कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहा नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट माइनस नहीं करा होगा और डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट क्या करा होगा, इनको इनके रेशियो में बांट दिया होगा। बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको देना था 5,000 रुपीज, तो हमने क्या करा होगा, 10 में से 5 हमने माइनस नहीं किया जो हमें कर रहा था, और डायरेक्टली ये 10 का 10 उठा के यहाँ लिख दिया और हमने इनके रेशियो में बांट दिया होगा, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई। अब बात आती है कितने रुपए की मिस्टेक हुई, कितना अमाउंट हमने गलत तरीके से बांट दिया। देखिए जितना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था यानी कि 5,000, ये हमने नहीं बांटा था नहीं, तो ये अमाउंट हमने गलत तरीके से बांट दिया। अब वो गलत तरीका कौन सा था, वो था रेशियो के फॉर्म में, यानी कि 5,000 रुपए ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जिस तरीके से बांट रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उस तरीके से हमने ना बांटते हुए हमने उसको किस रेशियो, किस फॉर्म में बांट दिया, रेशियो के फॉर्म में बांट दिया। तो अब यही चीज जो हमने गलत तरीके से बांट दी इसे हमें क्या करना होगा, सुधारना होगा। मेन बात देखने की ये है कि कितना अमाउंट हमने गलत बांट दिया, तो याद रखिएगा उतना ही अमाउंट गलत बांटा है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बन रहा था। तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमने सही अमाउंट तो लिख दिया कितना कितना इन तीनों को देना था, अब बात आती है गलत कितना बांट दिया, तो जाहिर सी बात है गलत भी इतना ही अमाउंट बांटा होगा जो हमने डिवाइड नहीं करा था, तो वही करेंगे हम, इन तीनों अमाउंट को करेंगे प्लस और बांट देंगे पहले उनके रेशियो में, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में वापस आते हैं तो हम देखेंगे इनका टोटल अमाउंट बन कितना रहा था। देखिए इनका टोटल अमाउंट बन रहा था 5,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000, ये था इनका टोटल अमाउंट जो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटना था मगर इसमें ना बांटते हुए हमने इसको कैसे बांट दिया होगा, उस रेशियो में या फिर उस तरीके से जिसमें हम उनको प्रॉफिट बांटते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो हमने गलत तरीके से बांट दिया था इसका टोटल, तो वो हमें अब क्या करना पड़ेगा, पार्टनर से वापस लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो पार्टनर से वापस लेंगे यानी कि उनका अकाउंट अब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमने ये किस तरीके से बांट दिया था। तो चलिए अपन ये मान लेते हैं ये 9,500 रुपीस जो था, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल था, ये हमने अमाउंट गलत बांट दिया। अब कैसे बांट दिया, ये बांट दिया होगा हमने इनके रेशियो में, जो इस रेशियो में हम इनको प्रॉफिट देते हैं, तो इनका रेशियो हम मान लेते हैं ए बी सी का रहा होगा 2:2:1, जिसमें ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो इस 9,500 को हमने गलत तरीके से बांट दिया, मतलब इस रेशियो में बांट दिया। तो पहले इस 9,500 को हम इस रेशियो डिवाइड करते हैं जो गलत अमाउंट था, ताकि हम उन पार्टनर से वापस ले सकें। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इस 9,500 को इसमें हम बांटते हैं। तो देखते हैं तीनों पार्टनर्स का कितना आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं ए का, तो ए का बांटेंगे 9,500 इनटू, ए का रेशियो है 2 अपॉन में आएगा 5, तो इसको जब हम बांटेंगे कितना आएगा, 5,1, तो यहां पे इसका आ रहा है 3,800। बी का कितना आएगा, बी का भी सेम अमाउंट ही आएगा क्योंकि बी का रेशियो सेम है 2:5, इसका भी 3,800 ही आएगा। और जो सी है उसका कितना आएगा, 9,500 इंटू 1/5, यानी कि इसका आएगा आपका 1,900 रुपीस। तो मतलब ये वो गलत अमाउंट है 3,800 और 1,900, जिसमें हमने इसको दे दिया था, इन लोगों को दे दिया था बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। तो अब ये जो गलत अमाउंट दे दिया था हम इनसे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो चलिए वापस ले लेते हैं, मतलब डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट टू बी डेबिटेड लिखा हुआ है, इसमें ए का आएगा 3,800, बी का डेबिट में आएगा 3,800 और सी के डेबिट में आएगा 1,900, जितना जितना गलत अमाउंट बांटा था।
अब दैट्स इट, अब इतना ही अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद हमें करना क्या होगा, इसके नीचे अब देखिए किसका कौन सा साइड बड़ा आ रहा है। सबसे पहले ए का देखते हैं, ए का कौन सा साइड बड़ा है, ये वाला क्रेडिट साइड बड़ा है, तो इसका मतलब इसका जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो इस साइड आएगा, ऑपोजिट साइड, इधर पे लिखा जाएगा 1200, ठीक है, 1200 से ये शॉर्ट है तो यहाँ लिखेंगे 1200 रुपीस, 5000 माइनस 3800 कितना आया 1200। अब बात आती है ये जो 1200 आया ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। तो याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा ये हम डेबिट साइड लिख रहे हैं तो ये डेबिट बैलेंस होगा, ऐसा नहीं होता। बात आती है ये जो क्रेडिट, ये जो बैलेंस आया है ये किस साइड के ग्रेटर होने की वजह से आया है, मतलब ये किस साइड की वजह से बैलेंस बचा है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में 5000 था और इसका जो रिमेनिंग बैलेंस आया है ये क्रेडिट साइड की वजह से आया है, तो ये जो बैलेंस है आपका ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। बात समझ में आ रही है। वैसे ही हम इसका देखेंगे, इसका कौन सा साइड ग्रेटर है, इसका डेबिट साइड ग्रेटर है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो इधर पे आएगा। कितना आएगा रिमेनिंग बैलेंस इसका, इसका जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा 3800 माइनस 2500 आपका आएगा 1300 रुपीस। बात समझ में आ रही है। तो इसका 1300 बचा। अब ये 1300 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको ये देखना है कि ये कौन सी साइड की वजह से ये बैलेंस बचा, मतलब ये डेबिट साइड में ग्रेटर बैलेंस था, तो ये जो 1300 आपका रिमेनिंग बैलेंस आया है ये डेबिट साइड की वजह से आया है, तो ये आपका कहलाएगा डेबिट बैलेंस। क्लियर है। अब सी का देखिए, सी का कौन सा साइड ग्रेटर है, सी का क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो रिमेनिंग बैलेंस इधर पे आएगा 2000 माइनस 1900, तो इसका आंसर आएगा 100 रुपीस। ठीक है, तो ये 100 रुपीस जो आएगा ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर है उसकी वजह से ये बैलेंस बचा है। तो ये हमने फाइनल कंप्लीट कर लिया अपना स्टेटमेंट। अब ये तो था हमारा वर्किंग नोट्स। अब जो हमारा मेन सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक जर्नल एंट्री रहती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। अब वो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे इसका वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जर्नल एंट्रीज की, मेन सॉल्यूशन पे आ जाते हैं और वहाँ पे आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री कैसी होगी देखिए, जो जो इंसान डेबिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे, जिसका भी बैलेंस डेबिट हुआ है और जिसका भी बैलेंस क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए डेबिट बैलेंस किसका आया है, बी का डेबिट बैलेंस है, तो बी को हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये लिख दिया। कितने से डेबिट हुआ है बी का बैलेंस, 1300 रुपीस। क्लियर है। अब देखेंगे क्रेडिट कौन कौन हुआ है, तो क्रेडिट ए का बैलेंस हुआ है और क्रेडिट सी का बैलेंस हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ए और सी को हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ए का बैलेंस जो है वो आए 1200 से क्रेडिट हुआ था और जो सी का बैलेंस है वो क्रेडिट हुआ था 100 रुपीज से, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री जो आपका मेन सॉल्यूशन है। तो ऐसे करते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट्स की एंट्री, जो चीज़ें हमने गलत दी हैं वो उनसे हम वापस ले लेंगे, यानी कि वो कर देंगे डेबिट, और जो चीज़ें हमने उनको सही देना है वो चीज़ें हम कर देंगे क्रेडिट और वो लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस में। क्लियर है। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स का। अब यहाँ तक इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है। अब क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के वेरिएशंस होते हैं, जैसे ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल दिया। अब कहीं ये भी बोल सकता है कि किसी क्वेश्चन में सैलरी ना दी गई हो वो आपको देना हो सही तरीके से, या फिर कमीशन ना दी गई हो वो आपको दे रहे हैं सही तरीके से, या फिर कोई चांसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना था लेकिन आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हो या सैलरी दे दी हो, तो उसे हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सुधारेंगे कैसे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिकली यही स्टेटमेंट बना के और एक सिंगल जर्नल एंट्री यही पास होती है इस टाइप की। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट।